हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं मिस्टर मोटो ब्लॉगर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वाराणसी टू भदोही बाइक राइड करके दिखाने वाले हैं। तो अभी आप ये देखते हैं, ये सामने रिंग रोड है और यहाँ से रिंग रोड होते हुए एयरपोर्ट रोड जाते हुए हम लोग बाबतपुर से भदोही जाने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे पर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं, ये अभी रिंग रोड है और ये हम लोग ने टर्न ले लिया है। तो अभी आप देखते हैं और चलिए आपको रिंग रोड दिखाते हैं कैसा रोड है। सीएनजी स्टेशन है यहाँ पर, अगर आपकी व्हीकल में सीएनजी फिटेड है या फिर सीएनजी आपने लगाया तो अपने आप सीएनजी रिफिल करवा सकते हैं। उस लेन वालों के लिए ठीक है, इस लेन वाले का तो जाने का दिया नहीं है। दोस्तों बनारस के रिंग रोड की क्या ही बात करें, आप लोग देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन रोड है और आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथ चल रही गाड़ी और कितना सुंदर नज़ारा है। हालांकि शाम का टाइम है और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, मतलब और भी ज़्यादा शाम हो जाएगा तो और भी अच्छा सीन आएगा, लेकिन इस समय भी काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। ऊपर से बादल भी हैं और सामने जो है आगे हम लोगों का ब्रिज जो कि हम लोगों को लेकर जाएगा, शिवपुर वाला ब्रिज है जो कि दाहिने लेने पर चला जाएगा एयरपोर्ट। ये हरमगढ़ टू शिवपुर वाला फ्लाईओवर जो कि बनारस का लगभग सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। तो दोस्तों अभी आप देखते हैं हम लोग कब सेठी चौराहा करीब पहुंच चुके हैं और अभी आप ये देखते हैं आगे थोड़ी दूरी पे एक ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ओवर ब्रिज जो कि कब सेठी का आरओबी है, जो कि अभी आप लोगों को जल्द बता दें हाल ही में बना हुआ है और इसके बन जाने की वजह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, यानी कि जाम से मुक्ति मिल चुकी है। नहीं तो इससे पहले हुआ होता क्या था, कब सेठी रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ से दाहिने साइड में होता है वहाँ से ट्रेन जाती थी तो काफ़ी स्लो में अक्सर जाती थी और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी समय तक लंबे जाम का सामना करना पड़ता था। जब फाटक बंद हो जाता था लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते थे और आप लोग जानते हैं अगर यूपी बिहार या गांव में है तो लोग रिस्क लेकर फाटक के नीचे से भी चले जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएँ भी होती थी। तो इसी वजह से ये ब्रिज बन गया, काफ़ी फ़ायदा होने लगा और ये जो फोर लेन है
एयरपोर्ट की ओर, वो भी काफ़ी फ़ायदे में, भी यहाँ का रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया। और ये देखते हैं ये ब्रिज काफ़ी सुंदर है, ऐसा ही ब्रिज जो मडुआ डीप बना हुआ है वैसा ही ये भी बना हुआ है, रेलवे ओवर ब्रिज, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और अब यहाँ से देखिए सामने आ गया कपसेठी चौराहा, यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग बाएँ ले लेंगे तो फिर से बनारस चले जाएंगे, जो कि लोहता होते हुए आप मडुआडी और जनसा ये सब जो है वो उस साइड चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे तो कछुआ चौराहा, कछुआ बाज़ार, और यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे तो दाहिने लेने पर आप भदोही चले जाएंगे, भदोही होते हुए आप जौनपुर वगैरह जा सकते हैं, इलाहाबाद जौनपुर। तो चलिए हमको जाना है भदोही साइड, तो हम लोग यहाँ से लेंगे राइट टर्न, और ये देखिए यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। और यहाँ कपसेठी चौराहा का चाय काफ़ी फेमस है, यदि आप लोग कभी इधर आएँ तो चाय ज़रूर पीजिएगा। हालांकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी था, घर से कॉल आ रहा था बार बार, इसलिए हम लोग रुके नहीं और अपना राइड कंटिन्यू रखे, तो ये देखते हैं। और अभी आपको बता दें यहाँ से भी आगे काफ़ी अच्छा रोड मिलेगा जो कि 4 लेन है, तो लेकिन इससे पहले यानी कि आप लोहता से लेकर आप कपसेठी तक आपको 4 लेन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके आगे कपसेठी से लेकर भदोही तक 4 लेन है। तो इस बीच में जो 4 लेन नहीं किया गया उसका काम फिर से चालू हो गया है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वहाँ का भी वीडियो फिर से कवर कर लेंगे, फिर से बनाएंगे। और आपको बता दें एक रोड और प्रोजेक्ट पास हुआ है जो कि रिंग रोड, यानी कि वाराणसी से लोहता से रिंग रोड होते हुए जो भदोही को आएगा, भदोही से होते हुए आपको ये जंघई, जंघई से ऐसे मछली शहर होते हुए लखनऊ को जाएगा, तो उसका अगर आप लोग डिटेल चाहिए भदोही में कहाँ काम हुआ है तो हम लोग दे देंगे। दोस्तों अभी आप ये देखते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं भदोही बाईपास को क्रॉस कर लिए, इंदिरा मिल ब्रिज को भी क्रॉस कर लिए, और ये देखते हैं यहाँ राइट साइड में डिवाइडर को खोदा जा रहा है जो कि जेसीबी मदद से भी खोदा गया था, तो अभी पीछे भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। एक्चुअली ये हो रहा है डिवाइडर में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं
ताकि जो रोड है हाईवे है हरा भरा हो जाए, और इसके बाद यहाँ पे जो है पर्यावरण का भी थोड़ा मदद मिलेगा और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगे। और अब देखिए ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गए हम लोग, ये नदी क्रॉस करके, ये धरौरा ब्रिज था और इस ब्रिज को भी तोड़ने का विचार, मतलब इसको फिर से बनाया जाएगा। और ये देखिए सीमा समाप्त, और इसके आगे रोड काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वाराणसी टू भदोही बाइक राइड। और आप कमेंट में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और आप कहाँ से हैं, क्या आप इस रोड से गए हैं ये भी बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। और ये देखते हैं जौनपुर ज़िला में लोग इंटर कर चुके हैं और आगे रामपुर है। तो अभी बस आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए वीडियो यहीं पिन करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।